नमस्कार दोस्तों आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे तो इस तरह देखिए इसे कट कर लिया है थर्टी टू टू साइज का ये ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन है शोल्डर लिया है छः इंच और होल भी लिया है छः इंच मटके गले पर ये डिज़ाइन है तो शोल्डर थोड़ा आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे गहराई रखी हमने साढ़े दस इंच अब इस तरह से हमें गले का निशान करना है तो ये देखिए हमने इस तरह से मटके गले का निशान कर दिया है अब इसे निकालना है हमें बकरम के ऊपर बराबर से फैलाकर एक निशान कर दिया है सीधा उसके बाद पूरा गला इसके ऊपर निकाल लेना है तो इस तरह देखिए निकाल लिया है अब इसे कट कर लेना है कट करने के बाद अब और कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है फिर इसका जो गला है उसे इसके बाद उसे बनाना है तो इस तरह देखिए सिलाई अस्तर और कपड़े पर लगाएंगे ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है जहाँ पर कपड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा कट करके बराबर कर लेंगे फिर बराबर से मोड़ते हुए एक सीधा निशान इस पर कर लेना है ये छोटा सा कट लगा दिया फिर वहीं से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये निशान कर दिया है अब देखिए जो गला कट किया था उसको कपड़े पर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है उसके बाद दोनों निशानों का को मिलाकर रखेंगे और पहले एक सीधी सिलाई डालेंगे ताकि ये थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना हो फिर पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान है सिलाई लगा देनी है जहाँ से गले का निशान है बिल्कुल वहीं से हमने देखिए सिलाई लगा दिया है अब इसे कट कर लेना है तो इस तरह से कट करेंगे कट करने के बाद पूरे ही गले पर कट लगेगा तो इस तरह अब कट लगाने है अब देखिए पट्टी को अंदर की तरफ पर हुए एक सिलाई लगाना है इस पर अब देखिए गला तैयार करने के बाद इस पर जो डिजाइन बनानी है उसके लिए पहले इस तरह बराबर से मोड़ते हुए यहाँ पर एक निशान कर देंगे उसके बाद पेपर लेना है न्यूज़ पेपर लेना है डबल फोल्ड करके ले लिया हमने और बराबर से गले को फैलाएंगे चौड़ाई चाहे तो आप नाप लें इंची टेप से उसके बाद देखिए जहाँ तक ये कपड़े पर निशान किया था वहीं से इसको निकालना है तो वहाँ पर इस तरह से निशान कर दिया ये सीधा वाला निशान भी कर दिया अब जब डिजाइन इस पर लगाएंगे तो अच्छे से ये समझ में देखिए निशान आता है तो यहीं से लगाना रहेगा अब देखिए डिजाइंस आगे के डिजाइंस के लिए हमें पट्टी तैयार करना है तो ये हमने देखिए सिलाई लगा दिया है सीधा कपड़ा कट करना है और जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उस हिसाब से सिलाई लगा देना है अब इसे पलट कर सीधा करेंगे अब देखिए इस तरह से इसको रखना है जो देखिए यहाँ पर जो निशान था वहीं से रखना है ऊपर वाले से और इस तरह से तीर्छा करते हुए यहाँ पर लगाना है जो बीच वाला मार्क है वहाँ से इस साइड बढ़ाना है डिजाइन इस साइड वाली पट्टी को इस साइड लेंगे और उस साइड वाली पट्टी को इस साइड तीर्छा करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह लगाना है अब दूसरी लेंगे दो लगेगी यहाँ पर इस वाली साइड से तो बराबर दूरी लेते हुए ये दूसरी लगा देना है ऊपर वाले पर बिल्कुल हमने किनारे वाली साइड से यानी गले वाली साइड से सिलाई लगाई है उसके नीचे रख कर जो साइड अब पट्टी लगेगी इसके नीचे रखना रहेगा इसलिए इसके एक ही बिल्कुल किनारे वाली साइड से सिलाई लगाया है अब उसके अंदर ये इस साइड वाली पट्टी रखेंगे और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे तीन लगेगी इस तरह से बराबर दूरी से लगाना है तो तीन आएगी अब तीन इस साइड से भी आएगी तो इसी तरह मैं इस साइड से भी तीन लगा देना है अब देखिए जो ये डिजाइंस बनाए हैं इसको गले पर लगाना है तो बराबर से यहाँ पर देखिए मिला लिया है और इस पर जो निशान गले वाला किया था वो भी है तो वहीं से सिलाई लगेगी वहीं से कपड़े को रखना है यहाँ पर पिन लगा दिया है अब एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो इस तरह देखिए ये डिजाइन हमने गले पर लगा दी है अब पेपर को निकाल देंगे पेपर को निकाल के अब जो गले वाली साइड की जो डिजाइन है उसे बनाना है तो इस तरह पेपर को निकाल दिया अभी बीच वाली जो अंदर वाला साइड का है उसे नहीं निकाला है चाहे तो उसे भी निकाल दें अब ये लिया है हमने फिल के लिए कपड़ा लिया है इसकी लंबाई हमें ज़्यादा रखनी है पूरे गले पर ये रहेगा तो पूरे गले के हिसाब से इसे लेना है एक तरफ से मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है अब इस तरह से फ्रिल बनाना है गले पर ही फ्रिल को बनाएंगे बराबर से चुनेटे देना है पूरी एक बराबर रहें ताकि तो ये देखिए फिर को लगा दिया है फिर को लगाने के बाद अब ये ये वाला पेपर भी यहाँ से निकाल देना है अब देखिए फिर के बाहर गले के बाहर जितना भी कपड़ा थोड़ा बहुत जहाँ पर निकला था हमने कट कर दिया अब लेस लेंगे और इस तरह से लेस को लगाएंगे इससे फ्रिल्क की जो सिलाई है वो भी कवर हो जाएगी और यहाँ पर ये अच्छा लुक देगा अगर लेस नहीं लगाना है तो आप इसकी जगह पर कपड़े की पट्टी यूज कर सकते हैं लगा सकते हैं तो ये देखिए हमने लेस को लगा लिया अब इन डिज़ाइनों को देखिए बनाना है अब इस तरह से मोतियाँ देखिए लगेगी एक बड़ी मोती यहाँ पर डाल लेंगे जहां से पट्टी क्रास हुई है वहीं से लगेगी हर एक पर अब देखिए बड़ी वाली मोती के चारों तरफ से ये छोटी मोती डालकर इस तरह से लगाना है इसी तरह से ये पूरी डिजाइंस पर मोतियाँ लगेंगी ये वाली जो पट्टी वाली डिजाइन है और साइड वाली फ्रिल वाली डिजाइंस पर एक एक मोती लगेगी हर एक चुनट पर तो इसी तरह देखिए पूरे पर लगा लेंगे हर एक जहाँ से पट्टी क्रास हुई है हर एक पर लगेगी तो देखिए हमने मोतियाँ लगा ली है तो मोती लगाने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से आएगा अब लास्ट में इसका प्लेट्स बना देंगे क्योंकि डिजाइन हमारा तैयार हो चला है प्लेट इस तरह बना दिया है और गले पर लगाएंगे डोरी तो उससे बाद में लगा देंगे तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ धन्यवाद